सियावर रामचंद्र की जय। यस शिवाली शिवाली बहन, क्या कुछ किस्मत खराब है क्या? पूजा पाठ कर रहा हूँ, ग्रे कोट लग रहे हैं हमेशा इस बहन के। जब से आइए तब से दसवीं दस नंबर आएंगे, कभी आए थे क्या? एक बार आए तो किस्मत खराब है। आधा नंबर इस बहन का कटता है, साढ़े नौ नंबर आए। जोरदार ताली। नौ नंबर तालियां। देखो ये भैया जब फर्स्ट में आए इसके बाबा मेरे पास में लेकर के, तो उन्होंने बोला कि सर जी बच्चे को चेक करो कैसा है। हमने सर को बोला कि सर चेक करो बच्चे को, तीन दिन तक चेक किया, उसके बाद फिर रिपोर्ट तैयार किया। हमने कहा बच्चा ठीक है, कवर हो जाएगा, कवर तो हो जाएगा, लेकिन कितना कवर हो जाएगा, क्योंकि इसके बाबा ने पूरी जांच पड़ताल अच्छे से करके, बाहर भी दो चार बच्चों से या फिर अभिभावकों से पूछ के कंसल्ट करके फिर ही एडमिशन करवाया। और बच्चा भी ब्रिलियंट है, ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ी सी इसको इसके फिर बाबा लगते हैं ना, उन्होंने कहा कि सर जी बच्चे को थोड़ा सा बोलना सिखाओ, झक थोड़ी दूर हो, और 26 जनवरी को बढ़िया सा स्पीच तैयार करके दो, जिससे कि सब बच्चों के सामने बोल सके। कहने का मतलब कॉन्फिडेंस इसका बढ़ सके, बोलने की ललक, पढ़ाई में बेस्ट है, और इसीलिए इसके 9 में से 9 नंबर आए हैं। जोरदार ताली। हाँ टच की घड़ी भैया, जो 10th क्लास में जैसे हार्ड कॉपी जाती नहीं हुई, वो 10th वालों के लिए है, बाकी इसके लिए एक पेन और एक कॉपी सर लाओ। अभी देखते हैं। देखा यशदीप, यशदीप 9 में से 8 नंबर आए भैया, ठीक है इसकी भी रिपोर्ट। नंदनी, नंदनी 10 में से 9 नंबर आए हैं, चलो प्रोग्रेस हो गया। कुणाल, कुणाल भैया थोड़ा सा ना पढ़ाई में और इम्प्रूवमेंट लाओ, 10 में से 6 नंबर आए हैं। उसके बाद में अक्षिका 10 में से 5 नंबर आए हैं। युवराज आगे जरूरी, युवराज 10 में से 5 नंबर आए हैं। आरती नहीं आई है, 10 में से 8 नंबर आए हैं। मैथ की कॉपियाँ स्टार्ट हो गई, 10th क्लास 9th की है ना। उसके बाद में देवेश, देवेश नहीं आया है, 10 में से 2.5 नंबर आए हैं। उसके बाद में मोहित, मोहित सैनी 10 में से 3 नंबर आए हैं। भैया पढ़ाई शुरू कर दो, शॉर्ट पढ़ना शुरू कर देंगे। रिंकू सैनी, रिंकू 10 में से 2.5 नंबर आए हैं। नहीं आया रिंकू, कौन है रिंकू? आया तो सामने पढ़ाया। राहुल प्रताप, वीरता, वीरता 10 में से 5 नंबर। जितेंद्र सैनी, जितेंद्र सैनी 10 में से 4 नंबर। मीनू 10 में से 8 नंबर। देवेश, देवेश सैनी फिर से कॉपी आ गई, इसने 10 में से 1 नंबर आया है। लोकेश सैनी 10 में से 1 नंबर। जितेंद्र सैनी 10 में से 1 नंबर। नंबर गिन लेना। मोहित सैनी 10 में से 1 नंबर। सुनील सैनी 10 में से 1.5 नंबर। सकीना 2 नंबर। अंकित सैनी आधा नंबर। जीता सैनी 1.5 नंबर। ये शायद 2 टेस्ट चुकी है ना। सारिका, सारिका 10 में से 3 नंबर आए। उसके बाद में अंजलि 10 में से 0.5 नंबर। प्रिया से, प्रिया सैनी, प्रिया ये क्या नहीं आई है, 10 में से 0.5 नंबर आया है। रोहित सैनी 10 में से 0.5 नंबर। नंबर बढ़ा ले। दीपेंद्र सैनी 10 में से 0.5 नंबर। नरेश वर्मा 10 में से 0.00। सचिन सैनी चलो पूर्ण नंबर। नितेश, इसको भी पूरा 1 नंबर आया है। बुद्धि सैनी 0.00। भूमिका पूरा 1 नंबर। चलो प्रिया सैन
कोई दो नंबर आयशा नहीं आई, राम राम आयशा नहीं आई, साढ़े तीन नंबर आया बता देना, टीना टीना सैनी सवा एक नंबर, करिश्मा नहीं आई है आधा नंबर, दीपिका ये दो नंबर, दीपिका दो नंबर, दीपिका सैन नहीं आई क्या, आई है हाँ, ये लो प्रदीप सैनी एक नंबर, अंजलि सवा तीन नंबर, अश्वन साढ़े आठ नंबर, हिमांशु दास दस में से नौ नंबर, ज्यादा तालियां, अमित वर्मा आधा नंबर, अनिल लिया, शालीराम शालीराम तो कांग्रेस कर रहा भैया, बढ़िया है अच्छी बात है, सवा सात नंबर आए हैं, विक्रांत विक्रांत इसके सवा नौ नंबर आए हैं, विक्रांत के तालियां, विनय सैनी आठ नंबर, नीशू रैन के लिए दो हजार तालियां, दस में से दस नंबर, प्रिंस दास साढ़े पाँच नंबर, ईशु मीणा दस में से आठ नंबर। अब ऐसा कोई भैया बहन है कि जिसकी कॉपी नहीं आई हो, पेपर दिया हो, खड़ी हो बहन जी, मैथ का पेपर दिया था आपने, और आपकी कॉपी खड़े हो यार है, हाँ डाउट कर लिया मैथ में, अब सर से पूछो ना पीछे, हाँ भाई ध्यान दीजिएगा सभी विद्यार्थी, कीप साइलेंट अप, डाउन अब 9 10th क्लास वालों को मैंने समझा दिया है, बाकी के विद्यार्थियों के एग्जाम, बहुत से विद्यार्थी हैं जो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, उन विद्यार्थियों के एग्जाम शायद 9 10th के साथ में ही हैं, तो नो प्रॉब्लम, आपके एग्जाम 9 10th के साथ में है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो विद्यार्थी 9th क्लास में 4 बजे छूटे हैं, 4:30 छूटे हैं, ट्यूशन की कोई किसी प्रकार की छुट्टी नहीं है, सभी विद्यार्थियों को रेगुलर आना है, जो समय हमारा है उसी समय पे आपको यहाँ पे उपस्थित होना है, अगर हो सकते हो तो, अगर आप लेट छूट रहे हो तो लेट आ सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप, अगर हो सकता है कि आपकी अटेंडेंस ज़्यादा हो और आप इन छुट्टियों की वजह से घर रुक रहे हो तो आपकी अटेंडेंस कम हो जाए और उस विद्यार्थी की ज़्यादा हो जाए जो विद्यार्थी बीच में एबसेंट था, आ रही बात समझ में, क्योंकि हमने कह रखा है कि जो विद्यार्थी प्रेजेंट टेंशन अगर ज़्यादा रखेगा तो उसको भी पुरस्कृत किया जाएगा, ठीक है ना, तो इस चीज का आप ध्यान दोगे, तो दो विद्यार्थी कौन कौन से थे, हाँ रघुराज आ दो भैया, तो तालियां बजाओ, ध्यान दो, इन विद्यार्थियों ने इनाम लिए हैं, वैसे इनाम सब विद्यार्थी लेने की कोशिश करो, जिससे आपका भी स्तर बढ़े और हमारा भी स्तर बढ़े, क्योंकि आपकी परसेंटेज हमारी परसेंटेज है ना, और किसी को डाउट हो तो बिना कोई संकोच के खड़ा होकर के सॉल्यूशन करवा सकता है, ऐसे मत सोचते ना कि सर जी हमारे नंबर ज्यादा आने चाहिए थे, कम आ गए, हमारी कोई गलती नहीं, हाँ भाई कल आप सभी विद्यार्थियों का अवकाश रहेगा, कल का संडे का इसलिए रख रहे हैं क्योंकि आपका पेपर हिंदी का है, ठीक है,
विशेषकर जो बोर्ड की क्लासें हैं उन क्लासों को इस संडे के अलावा जो भी छुट्टियां आएंगी उसमें कोई छुट्टियां नहीं रहेगी, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। कहीं ऐसा नहीं हो, कहीं ऐसा नहीं हो कि भाई इस छुट्टियों के अकॉर्डिंग बाकी छुट्टियां भी ऐसे काट लो। हाँ, विशेषकर 10th क्लास वालों को तो बिल्कुल भी एब्सेंट नहीं रहना, रेगुलर किया ना। आप 10:30-11 बजे छूट जाओ, कितने छूट जाओगे? 1 बजे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 के बाद में हम यहाँ पे 3:30-4 बजे के लगभग मारे जाते हैं। 4 बजे का समय, 3:30-4 बजे तक आप। और किसी को समस्या है क्या? कोई समस्या नहीं है? और कुछ पूछना है? हाँ भाई, शनिवार के आज का जो पेपर हुआ है, इस पेपर की जो इनाम है, यह बातें नहीं, इस पेपर के इनाम डिक्शनरी और एक पेन रहेगा। डिक्शनरी और एक पेन रहेगा, तो जो भी विद्यार्थी समय से फुल मार्क्स लेके आएगा उसको इनाम दी जाएगी। भैया पीछे के उठ करके आप इस तरह पालो ना, उसको भी विद्यार्थी अनायास।